गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स रेफरेंस हब। प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स रेफरेंस हब में। यहां आपको अकाउंट्स काफ़ी इजी लैंग्वेज और इजी तरीके से समझाया जाता है, ठीक है। और पूरी कोशिश रहती है कि आप लोगों तक जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर किया जा सके। और प्लीज़, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को और हमसे नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाएं ताकि जो न्यू अपडेट्स हैं वो आपके पास रेगुलर वेज में पहुंच सके, ठीक है। तो चलिए, आज का जो हमारा क्लास है वो लेक्चर है वो हम आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर 2 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसमें हमने देखा कि पार्टनरशिप अकाउंट जो हम बनाते हैं तो उसमें किन किन चीज़ों को का एडजस्टमेंट करना पड़ता है। जैसा कि आपने देखा था, इससे पहले हमने पढ़ाया था इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के बारे में, ठीक है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल के बारे में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस और कैपिटल के बारे में हमें जो जो चीज़ जानना है, छोटी से बड़ी चीज़, सभी कुछ हम धीरे धीरे यहाँ पर जानते हुए पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं हम कैपिटल क्या होता है। तो कैपिटल वह अमाउंट है, लमसम अमाउंट है, या फिर कैपिटल वह अमाउंट है जो पार्टनर एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्ट करता है अपने फर्म में, ठीक है। तो जो पार्टनर किसी भी चीज़ को कहीं भी पैसा लगाता है, मतलब कोई भी ऑनर कहीं बिजनेस में पैसा लगाता है तो उसको क्या चाहिए होता है, रिटर्न चाहिए होता है, ठीक है। तो रिटर्न कैसे मिलता है, तो प्रॉफिट के रूप में। कैसे मिलता है? प्रॉफिट के रूप में ऑनर को क्या मिलता है, रिटर्न मिलता है। और लॉस भी होता है तो ऑनर को खुद ही उसको सहना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ वैसा ही है, यहाँ पर क्या है कि हमारे पास जो ऑनर है वो एक नहीं, दो नहीं, कई सारे हैं। क्यों? क्योंकि जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ही हमारा पार्टनरशिप फर्म, जिसमें कम से कम दो व्यक्ति होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप 50 पार्टनर्स को अपने फर्म में अलाउ कर सकते हो, ठीक है। तो अब दो चीज़ें हम यहाँ देखते हैं, हमने पढ़ा है इससे पहले, ठीक है। एक हमने पढ़ा है चार्ज और एक पढ़ा है अलाउ। इतने क्वेश्चंस किए होंगे हमने, उसमें लिखा होगा, क्या लिखा? लिखा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज 10%, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज 10%। दूसरा अलाउ में है इंटरेस्ट ऑन अलाउड सैलरी या फिर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऐसा कुछ लिखा होता है, ठीक है। तो अगर चार्ज लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज, तो उसमें क्या होता है कि हमें पे करना पड़ता है, मतलब पार्टनर्स, हाँ, पार्टनर्स क्या करता है, पे करता है किसको, फर्म को। और अलाउ के कंडीशन में क्या होता है कि पार्टनर को अलाउ करती है, फर्म अलाउ करती है, जैसे कि पार्टनर को सैलरी मिल रहा है, पार्टनर को कमीशन मिल रहा है, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग मिल रहा है, तो ये सब क्या है, पार्टनर्स को हम अलाउ कर रहे हैं, अगर फर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, ठीक है। और दूसरा चीज कि पार्टनर से लिया जा रहा है एज अ चार्ज, ठीक है, तो उसको कहा जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो पार्टनर से एक ही कंडीशन में चार्ज किया जाता है, ड्रॉइंग के कंडीशन में। किसके कंडीशन में? ड्रॉइंग। बोलोगे ड्रॉइंग क्या होता है, तो ड्रॉइंग वह अमाउंट है जो पार्टनर्स अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालते हैं। पार्टनर्स अपने पर्सनल यूज के लिए क्या करते हैं, पैसा निकालते हैं फर्म से, ठीक है। ठीक है, तो चलिए अब हमने यहाँ पर अभी पढ़ा कि एक चार्ज और एक अलाउ। तो हम लोग यहाँ जो पढ़ रहे हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। तो आपको बताऊं कि कैपिटल पर जो इंटरेस्ट है यह पार्टनर्स को अलाउ किया जा रहा है, चार्ज नहीं किया जा रहा है। मतलब कहने का कि पार्टनर्स को फर्म क्या करेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेगी, ठीक है।
चलिए अब जानते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का डेफिनेशन क्या है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू कंपनसेट अ पार्टनर फॉर कंट्रीब्यूटिंग कैपिटल, ठीक है, टू द फर्म एक्सेस ऑफ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, एक वह अमाउंट है जो पार्टनर्स को कंपनसेट करती है उसके कैपिटल पे कंट्रीब्यूट करने के कारण, ठीक है, और ये एक्सेस होता है प्रॉफिट शेयरिंग के, ठीक है। पार्टनर्स को प्रॉफिट दिया जाता है, पार्टनर को क्या दिया जाता है, प्रॉफिट, कहाँ से, जो नेट प्रॉफिट होता है उसमें से उसको सभी पार्टनर्स को डिवाइड बांटा जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है प्रॉफिट इन द एग्रीड रेशियो, ठीक है, और अगर रेशियो नहीं है तो इक्वली किया जाता है। तो कहता है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो एक्सेस अमाउंट है जो हमें प्रॉफिट में से मिलता है, ठीक है, प्रॉफिट तो मिलता ही मिलता है पार्टनर्स को, प्लस साथ के साथ उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया जाता है अलग से। जैसे कि आप सैलरी के बारे में भी कह सकते हो कि सैलरी भी क्या है, एक्सेस अमाउंट है जो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से ज्यादा होता है, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करने से पहले उसको सैलरी दे दी जाती है, कैपिटल दे दी जाती है, ठीक है। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज किया जाता है वैसे ही कैलकुलेट किया जाता है एट द एग्रीड रेट ऑफ कैपिटल हैज बीन यूज्ड इन द बिजनेस। मतलब उस कैपिटल को बिजनेस में कब तक यूज किया तब तक उसका इंटरेस्ट उसको दिया जाता है। अगर बीच में ही कैपिटल में से कुछ अमाउंट वो निकाल लेता है तो इस केस में उसको निकाल देने के बाद, मतलब विड्रॉ कर लेने के बाद जो अमाउंट बचता है उस पर लगाया जाता है क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दिया जाता है। जैसे कि मान लो हम यहाँ एग्जांपल देते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे एग्जाम्पल क्या लिया कि मान लो हमने 10,000 रुपए स्टार्टिंग में कैपिटल के नाम से दिया, ठीक है। अब 3 महीने के बाद आफ्टर थ्री मंथ मैंने क्या किया, इसमें से 3,000 रुपीज निकाल लिया, ठीक है। तो कहता है कि क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरे साल 10,000 पे ही लगेगा, तो नहीं, नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हमने पूरे साल 10,000 रुपए को बिजनेस में रखा, मतलब बिजनेस में यूज किया ही नहीं, ठीक है। कितना किया, 10,000 रुपए हमने सिर्फ 3 महीने यूज किया है, उसके बाद क्या किया है, 3,000 रुपए उसने निकाल लिए हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसको 10,000 रुपए पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान लो 10% है, ठीक है, तो 3 महीने का ही मिलेगा, और इसके बाद 10,000 में से 3,000 निकाल लिया 3 महीने के बाद, तो कितना बच गया, 7,000। तो 7,000 पर मिलेगा 10% के हिसाब से कितने महीने का, 9 महीने का, ठीक है। और फिर इसको हम टोटल कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर। समझ आया? तो ये तरीका है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का, ठीक है। तो आप फंड में जब तक कैपिटल रखते हो तभी तक का आपको इंटरेस्ट दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका कि हम क्यों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करते हैं पार्टनर्स को, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों अलाउ करते हैं, ये क्वेश्चन आता है। तो पहला कंडीशन दिया हुआ है, यहां देखिएगा आप, ठीक है, पहला कंडीशन दिया हुआ है कि वेन कैपिटल, देखो अलाउ करने के कारण क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों अलाउ किया जाता है, उसके कुछ कारण है, ठीक है। कारण क्या है, तो हमारे पास 3 चीजें। पहला है कि वेन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स आर डिफरेंट बट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आर सेम, ठीक है। तो मतलब पहला क्या कह रहा है कि पार्टनर्स के बीच में, पार्टनर्स ने जो इन्वेस्ट किया है कैपिटल वो अलग अलग है लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेम है। तो कहता है कि अगर हमने पार्टनर्स को कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं दिया तो ऐसे में क्या होगा कि जो प्रॉफिट है वो सभी को बराबर बराबर मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे में क्या हो जाएगा कि जो ज्यादा इन्वेस्ट करेगा उसको
कितना मिलेगा? हो सकता है कम मिले, ठीक है, और जो कम इन्वेस्ट करेगा उसको कम मिले, ज्यादा मिल जाए। सॉरी सॉरी, मैं कहना चाह रहा हूँ कि वेन कैपिटल, जब पार्टनर्स जो है कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, अगर वो अलग अलग है, जैसे मान लीजिए किसी ने 10,000 किया, किसी ने 20,000 किया, किसी ने 30,000, ठीक है, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेम है। इसका मतलब मान लो प्रॉफिट अगर हमारे पास 50,000 है, तो सभी पार्टनर्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, इक्वली। तो ऐसे में क्या हुआ, ऐसे में ये हुआ कि जिसने कैपिटल, जिसने पैसा ज्यादा लगाया उसको भी उतना ही मिला, जितना सबको मिला प्रॉफिट, और जिसने कम इन्वेस्ट किया उसको भी उतना ही मिला। तो ऐसे में क्या होता है कि पार्टनर्स जो है उनका मोटिवेशन जो है सो कम हो जाता है, ठीक है। तो इसी को कंपनसेट करने के लिए क्या किया जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है पार्टनर, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जितना जो पार्टनर इन्वेस्ट करेगा उसके अकॉर्डिंगली उसको उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, प्रॉफिट भले ही आप इक्वली करो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आ रहा है, पार्टनर्स को एक तरह से ये तो लगेगा कि हाँ मुझे उससे, अदर पार्टनर्स जो इन्वेस्ट कम कर रहा है उससे ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। दूसरा चीज क्या है, व्हेन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स आर, मैं बोल व्हेन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स आर डिफरेंट, व्हेन कैपिटल्स आर, कैपिटल ऑफ पार्टनर्स आर डिफरेंट बट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आर ऑल्सो डिफरेंट। मतलब कह रहा है कि मान लो, दूसरा केस है, मान लो कि कैपिटल जो है पार्टनर्स का वो डिफरेंट है, ठीक है, मान लिया, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी क्या है, वो भी डिफरेंट है। क्या है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पता है ना सबको? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वह रेशियो होता है जिसमें पार्टनर्स प्रॉफिट या लॉसेस को आपस में शेयर करते हैं, ठीक है। वो इक्वली भी कर सकते हैं या फिर अकॉर्डिंग टू द एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट वो प्रॉफिट को शेयर करते हैं आपस में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर कैपिटल क्या है, पार्टनर्स का कैपिटल जो है डिफरेंट है और प्रॉफिट शेयरिंग भी डिफरेंट है, तो ऐसे में क्या होगा, क्या होगा कि पार्टनर इन्वेस्टिंग लेस कैन गेट मोर प्रॉफिट एंड पार्टनर इन्वेस्टिंग मोर कैन गेट लेस प्रॉफिट। तो इस केस में भी क्या होगा कि पार्टनर जो कम इन्वेस्ट कर रहा है उसको ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है, और पार्टनर जो ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है उसको कम मिलेगा। मतलब कहने का यहाँ पर ये है कि मान लीजिए ए बी सी तीन पार्टनर हैं, ए ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है, बी उससे कम कर रहा है, सी उससे कम कर रहा है, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमने रख दिया है वर्किंग आवर के हिसाब से कि जो ज्यादा काम करेगा, एक्टिविटी करेगा, उसको हम ज्यादा प्रॉफिट देंगे। तो ऐसे में क्या होगा, मान लो कि जो पार्टनर सी है उसने ज्यादा फर्म में काम किया, ठीक है, तो उसको जो है हमने क्या किया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी प्रॉफिट जो है हमने ज्यादा दे दिया। तो ऐसे में क्या हुआ कि जिसने कैपिटल ज्यादा इन्वेस्ट किया उसको प्रॉफिट कम मिला, और जिसने कम किया उसको ज्यादा मिल गया। तो ये क्या करेगा, ये भी कहेगा कि यार थोड़ा सा इसको मोटिवेशन डाउन हो जाएगा, तो इसको कंपनसेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करते हैं, ठीक है। फिर कहता है कि कैपिटल इंक्रीजेज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म, कैपिटल क्या करता है, फर्म के अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है। मतलब कैपिटल हेल्प इन एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज एंड देयरफॉर अर्निंग मोर प्रॉफिट। क्या कह रहा है कि बिजनेस में जितना ज्यादा कैपिटल रहेगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, उसकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी, और अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, है ना, और प्रॉफिट ज्यादा होगा तो पार्टनर्स को फायदा होगा। तो इसीलिए क्या किया जाता है, पार्टनर्स को कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जाता है। ये तीन कारण है, क्वेश्चन पेपर में आता है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दिया है प्रोविजन रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कब और कैसे अलाउ करेंगे पार्टनर्स को, ठीक है। तो पहला, वेन द पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट और पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब पार्टनर्स डीड में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाए या नहीं, तो बेशक आप यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं, अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास एग्रीमेंट नहीं है रिटर्न में या फिर पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया जाएगा। कौन कहता है, पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। व्हेन द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स
for interest on capital but is silent on whether interest is charged or appropriation. कह रहा है कि मान लो पार्टनरशिप डीड में ये लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, अलाउ किया जाएगा, लेकिन उसमें ये नहीं लिखा है कि वो एप्रोप्रिएशन का पार्ट है या फिर एक चार्ज है. एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है, एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है कि प्रॉफिट में से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. क्या होता है? प्रॉफिट में से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. और दूसरा दूसरा क्या कहता है कि चार्ज का मतलब ये होता है कि प्रॉफिट हो या ना हो उसको इंटरेस्ट मिलेगा. इस पर कैपिटल कहने का मतलब अगर फर्म को लॉस होता है और पार्टनरशिप डीड में ये लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी मिलेगा जब ये मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है एप्रोप्रिएशन का मैटर है. इसका मैटर है एप्रोप्रिएशन का. तो ऐसे कंडीशन में कैपिटल सॉरी प्रॉफिट रहेगा तभी उसको अलाउ किया जाएगा, वरना नहीं किया जाएगा. समझ में आया? और चार्ज का मतलब है कि आपको प्रॉफिट हो या ना हो आपको देना पड़ेगा. क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ठीक है, दिस इज कंटिन्यू. अब इसके बाद है आपका नेक्स्ट की हम जर्नल एंट्री क्या करते हैं. तो जर्नल एंट्री आपको पता है हमें दो चीज का देना होता है, एक ओपनिंग करने का कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक अकाउंट ओपन कर रहे हैं, और दूसरा क्लोजिंग करने का कि हम क्लोजिंग भी कर रहे हैं आफ्टर द एंड ऑफ ईयर. तो ओपनिंग एंट्री क्या होता है वो देखो. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग और इन केस ऑफ फिक्स. ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको पता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में हम दो बार दो अकाउंट बनाते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट. तो करंट अकाउंट में ट्रांसफर होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसीलिए क्या लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट. ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ठीक है, ये है आपका क्लोजिंग अकाउंट. ठीक है, क्लोजिंग एंट्री, क्लोजर एंट्री हम दिखाते हैं इसको कहां प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन. ठीक है, अगर मान लो हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या है फ्लक्चुएटिंग है, इस केस में हम क्या करते हैं फिक्स वाले में तो दो अकाउंट बनाते हैं, एक कैपिटल अलग से और एक बनाते हैं हम करेंट. ठीक है, और यहां पर क्या होता है एक ही अकाउंट बनाया जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल. ठीक है, ये हो गया ओपनिंग एंट्री. और क्लोजिंग एंट्री क्या हो गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं आपको जैसा कि आपने पढ़ा स्टार्टिंग में क्या पढ़ा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कैलकुलेट किया जाता है वो हमेशा किस पे किया जाता है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल ऑफ पार्टनर. मतलब कि स्टार्टिंग में आपके पास कैपिटल कितना है ईयर के स्टार्टिंग में उस पर कैलकुलेट किया जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि उसी में से आप पूरे साल क्या करते हो खर्च करते हो. ठीक है, और साल के दौरान आप पैसा निकालते भी हो और उसमें ऐड भी करते हो कैपिटल के रूप में. तो क्या होता है क्लोजिंग बैलेंस कुछ अलग होता है. ठीक है, मैंने क्या कहा आपको फिक्स्ड कैपिटल मेथड में, फिक्स्ड कैपिटल मेथड इसमें क्या होता है कि कैपिटल जो है सेम होता है. ठीक है, एवरी ईयर कैपिटल क्या होता है सेम रहता है. यह चेंज होता है, इट चेंजेस कब चेंज करता है व्हेन एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस और बेजुड बाय पार्टनर. ठीक है, मतलब कैपिटल अगर नया इंट्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग द ईयर तो आपकी नेक्स्ट ईयर की जो क्लोजिंग कैपिटल होगा
नेक्स्ट ईयर का जो ओपनिंग कैपिटल होगा उसमें इस ईयर का ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल दोनों को ऐड करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वही क्लोजिंग ईयर का कैपिटल होगा। ठीक है, अगर बाई चांस उसमें से विड्रॉ भी कर लेता है तो हम क्या करते हैं, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग। ठीक है, और इससे निकलता है हमारा क्या क्या निकलता है, क्लोजिंग ईयर का कैपिटल, मतलब क्लोजिंग कैपिटल ऑफ द ईयर, जो कि अगले साल के लिए वो क्या रहता है, ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, अब जैसा कि मैंने कहा कि ओपनिंग कैपिटल, क्वेश्चन में आपके पास हो सकता है दिया होगा क्लोजिंग कैपिटल, तो ऐसे केस में आप ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो आपके पास क्या है, दो सी तरीके हैं कैसे करोगे। अगर आप एक क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आप फॉलो करते हो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, क्या फॉलो करते हो, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, इस केस में ओपनिंग बैलेंस कैपिटल अकाउंट, ओपनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे निकालोगे। तो ये देखो, ये जो मैंने यहाँ पर आपको फॉर्मेट तैयार कर रखा है वो यही दिखा रहा है, क्या करोगे, पहले तो कॉलम बनाओगे, पार्टिकुलर अमाउंट यहाँ लिखोगे, क्लोजिंग कैपिटल एट एंड, ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल एट एंड, क्लोजिंग कैपिटल एट एंड, ठीक है, उसमें ऐड करोगे ड्रॉइंग, सॉरी हाँ लेस करोगे एडिशनल कैपिटल, अगर बीच में ईयर के बीच में अगर आपने कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है तो उसको लेस करोगे, और ड्रॉइंग करोगे यहाँ पर क्या, अगर ड्रॉइंग किया है आपने कैपिटल के अगेंस्ट में तो आप उसको क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, और इससे आपका निकल जाएगा ओपनिंग कैपिटल ऑफ द ईयर, क्या निकल जाएगा, ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, ये तरीका है, अगर क्वेश्चन में दिया है कि आप फॉलो कर रहे हो फिक्स कैपिटल मेथड, ठीक है, लेकिन अगर आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, समझ में आ रहा है सबको, क्लियर है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप प्लीज शेयर करना है, और कोई भी आपको फीडबैक देना है पॉजिटिव या नेगेटिव, जैसा भी फीडबैक हो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। ठीक है, अब देखो इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, मतलब जब आपका कैपिटल जो है सो हर साल चेंज होता रहता है, क्योंकि आप उसी में से पे करते हो, उसी में से आप रिसीव करते हो, उसमें आप रिसीव भी कर रहे हो और उसी में से पे भी कर रहे हो, तो आपको पता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में जो अकाउंट बनता है वो कितना बनता है, एक बनता है। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखो, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया होगा क्लोजिंग कैपिटल एट एंड, क्लोजिंग कैपिटल एट एंड ऐड करेंगे, क्या क्या चीज ऐड करेंगे, इसमें ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है, और साथ ही शेयर ऑफ लॉस फॉर द ईयर। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ए आवाज कितना हो रहा है, ठीक है, अब इसमें से लेस करेंगे, क्या लेस करेंगे, तो एडिशनल कैपिटल लेस करेंगे, सैलरी लेस करेंगे, कमीशन लेस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस करेंगे, और साथ ही अगर हमारे को कोई प्रॉफिट हुआ होगा तो उसका जो शेयर है उसको भी हम क्या करेंगे, लेस करेंगे, क्यों, क्योंकि ये सभी चीजें जो हैं अगर हम क्लोजिंग कैपिटल निकालते हैं तो उसमें ऐड किया जाता है और इसको लेस किया जाता है जब हम क्लोजिंग कैपिटल निकालते हैं तब। ठीक है, लेकिन अभी आपके पास क्या है, ओपनिंग कैपिटल निकालना है, तो ओपनिंग कैपिटल के दौरान क्या करते हैं, जो हम क्लोजिंग के समय में लेस करते हैं उसको हम ऐड करेंगे, और क्लोजिंग के समय में जिसको हम ऐड करते हैं उसको हम यहाँ पर लेस करेंगे। ठीक है, अभी आपके पास यहाँ पर देखा होगा लिखा हुआ है ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल और ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, तो पर यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एक ही लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि जैसा कि आपको पता है ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है कि प्रॉफिट में से आपने पैसा निकाला है, किसके प्रॉफिट में से, तो फर्म के प्रॉफिट में से, तो फर्म के प्रॉफिट में से अगर पैसा निकालोगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज किया जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा हुआ है वो किसके लिए लिखा हुआ है? ड्राइंग किसके लिए लिखा हुआ है? अगेंस्ट प्रॉफिट के लिए, अगेंस्ट प्रॉफिट, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट के लिए, ठीक है। लेकिन ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल का मतलब है आपने जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है फंड में उसमें से पैसा निकाला है, उसमें से पैसा निकाला है, ठीक है। तो मतलब कि 10,000 जो आपने इन्वेस्ट किया था उसमें से क्या किया है? 3,000 निकाल लिया। तो ये 3,000 तो निकाल लिया आपने, लेकिन ये कहता है कि कैपिटल से अगर निकाल रहे हो तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं करेंगे हम, ठीक है। और इसके साथ ही 10,000 के बाद 3,000 निकाल लिया तो अब कितना बच गया? 7,000। तो 3,000 तो आपका गया, तो 7,000 पर पूरे साल का आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा और इस पर हम इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। समझ में आया? तो ये पूरा जो स्टोरी हमने देखा वो किसका था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करने का? फाइंड आउट करने का, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है अगर आपका क्लियर हो गया तो आप एक जो क्वेश्चन आप अपनी तरफ से आपके पास बुक में दिया हुआ होगा आप उसको कर सकते हो, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो आपको यहाँ पर नंबर दिया गया है, आप मुझे पर्सनली यहाँ पर मैसेज कर सकते हो 9556480 पे, ठीक है। और आप हमसे गूगल मीट पे ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी ले सकते हो, यहाँ पर लाइव क्लासेस का भी फैसिलिटी है, ठीक है, जो कि 8:30 सुबह में होती है, 8:30 सुबह में ऑनलाइन क्लासेस होती है। तो प्लीज अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो और कंसेप्ट क्लियर हो गया हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।